हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है वो न्यूज़ आज के ही न्यूज़पेपर में आई हुई है। तो इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और ये न्यूज़ दोनों लोगों के लिए ही है, यानी कि जो लोग प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में अप्लाई करते हैं। प्री मैट्रिक का मतलब जो लोग क्लास 9th और 10th के लिए अप्लाई करते हैं, और पोस्ट मैट्रिक मतलब जो लोग ग्रेजुएशन में हैं या बीएड कर रहे हैं या कोई भी अदर कोर्स कर रहे हैं, वो लोग जो हैं अगर अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो यही इस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आने के चांसेज हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो नोटिफिकेशन मैं आज के इस वीडियो में या पिछले जो भी वीडियोज़ हमारे होते हैं उनमें नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं, वो सभी नोटिफिकेशन आप यूट्यूब से भी पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। तो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पूर्व दशम यानी कि प्री मैट्रिक यानी कि क्लास 9th और 10th की। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, उनके खातों में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि खातों में 10 जनवरी से आ जाएगी छात्रवृत्ति, यानी कि आपकी स्कॉलरशिप 10 जनवरी से आना शुरू हो जाएगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व दशम कक्षा 9 व 10 के छात्र छात्राओं को अब नए वर्ष 2023 की छात्रवृत्ति 10 जनवरी से मिलने लगेगी। शिक्षा सत्र यानी कि सेशन 2022-23 की पूर्व दशम छात्रवृत्ति का सत्यापन कार्य पूरा ना होने के कारण समय सारणी में परिवर्तन किया गया है। नई समय सारणी के अनुसार अब जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति 30 दिसंबर तक संदेहास्पद और शुद्ध डेटा के संबंध में निर्णय ले लेगी। यानी कि इनका जो है एक समय सारणी निकलती है, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें पूरा डेटा रहता है कि इस दिन से इस दिन तक जो है ये काम किया जाएगा और कौन कौन सी प्री मैट्रिक में पोस्ट मैट्रिक में कहां कहां तक वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, जिला स्तरीय अधिकारियों को 5 जनवरी 2023 तक अपने डिजिटल सिग्नेचर से डेटा लॉक करना होगा। इसके बाद कोषागार से ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस के जरिए 10 जनवरी से खातों में छात्रवृत्ति जाने लगेगी, यानी 10 जनवरी से आपको स्कॉलरशिप आपकी मिलने लग जाएगी क्लास 9th व 10th के स्टूडेंट्स को। और अब हम बात करते हैं जो पोस्ट मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं उनके बारे में क्या न्यूज़ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ में आप यहाँ देख रहे हैं कि एक नया यहाँ पे नोटिफिकेशन डाला गया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मास्टर डेटा रिवाइज टाइम टेबल 12 दिसंबर 2022। तो ये 12 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन डाला गया है। तो 12 दिसंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन डाला गया है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 12 दिसंबर 2022 यहाँ पे डेट डाली हुई है। और जो मैं जिस सारणी की बात कर रहा था वो सारणी यही है। इसमें देखिए पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है कि कब से कब तक क्या वर्किंग चल रही है, कब तक क्या वर्किंग होनी है, ये पूरा टाइम टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम टेबल मुझे आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 6 पर आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 जब आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं आपको सिंपल शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। इसमें ये बताया गया कि जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस साल जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हैं, 2 मई 2022 और 2 दिसंबर 2022 को जारी समय सारणी के समयावधि में वार्षिक परीक्षा फल या फिर दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल ना निकलने की दशा में रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर्ड, जिन लोगों ने अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म में रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर्ड लिखा हुआ, यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर अभी भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, ओके, तो जिन लोगों ने रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर लिखा हुआ है उनके लिए यहां पे जो है बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से ये कहा गया है कि इसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, 19 जनवरी 2023 से 27 जनवरी 2023 तक सही करके संस्था से भी यथास्थान परीक्षा फल अंकित कराते हुए अग्रसरित करना होगा। दिनांक 27 जनवरी 2023 तक परीक्षा फल ना निकलने, इसमें लिखा है कि अगर आपका रिजल्ट जो है वो 27 जनवरी 2023 तक नहीं आता है तो आपने जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है वो आपका जो है आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा। तो काफ़ी टाइम इन्होंने दे दिया है, अभी लगभग आप मान के चलिए 1 महीने का टाइम और दे दिया गया है। फिलहाल स्कॉलरशिप की जो डेट है मतलब रजिस्ट्रेशन करने की, वो 26 दिसंबर है और मे भी ये डेट अभी और आगे बढ़ेगी। इससे पहले 10 दिसंबर ये डेट थी, अब 26 दिसंबर हो गई है और इस जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखकर लग रहा है कि अभी डेट और बढ़ेगी। तो मे भी शायद आपकी जो स्कॉलरशिप है दशमोत्तर वालों की वो शायद फरवरी मंथ तक जो है मे भी शायद आपके अकाउंट्स में आना शुरू हो। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी स्पेशली दशमोत्तर यानी पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी लोग जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है वो जल्दी से जो है अपना कोशिश करें
अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में रिक्वेस्ट करें अपने डिपार्टमेंट्स में कि अपना रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करें और अपना जो है स्कॉलरशिप फॉर्म को प्रॉपरली फिल कर लें। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इससे रिलेटेड था स्कॉलरशिप से, और इस तरीके की कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।